बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक अहम कैबिनेट मीटिंग सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई हुई, उन्होंने ब्रीफ करने के लिए मेरे नाल मेरे साथी कैबिनेट कोलीग सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल जी और खब्बे पासे सरदार गुरमीत सिंह खुडियां कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब सरकार। असी अब तुम्हें इसलिए दसना है कि अब कि अहम फैसलों के उत्ते कैबिनेट ने मोहर लाई आ पंजाब नू, जो सुपना सरदार भगवंत सिंह मान जी का गा, जो आम आदमी पार्टी का सुपना गा कि पंजाब नू रंगला पंजाब किवें बनाउणा गा, उहदे लई अज किहड़े किहड़े असी विशेष कदम अज दी कैबिनेट च चुके नेगे उहनू ब्रीफ करन लई आयांगे। बहुत अहम फैसले जिहड़े मैं समझदा अज होए नेगे, उहनां विचों सब तों वड्डा जिहड़ा अहम फैसला मैं मंनदा गा कि पंजाब दा जिहड़ा नौजवान आ, पंजाब दा यूथ आ, पंजाब दे मुंडे कुड़ियां ने साडे, उहनां नू स्पोर्ट्स दे अंदर लैके आउण दे लई पंजाब दे अंदर जिद्दां पहलां जदों सरकार बणी सीगी सरदार भगवंत सिंह मान जी ने हदायत जारी की सी कि खेडां वतन पंजाब दीआं होंदियां सीगियां, खेडां वतन पंजाब दीआं नूं सब तों भरमा हंगारा पंजाब च मिलिया सीगा। सो बहुत सारे खिडारी जिहड़े हैगे नेगे उदों निखर के गेमां दे राहीं खेडां दे राहीं सामने आए सीगे। उसे तहत काफ़ी लंबे अरसे तों पेंडिंग पई, काफ़ी सालों तों पेंडिंग पई जिहड़ी पंजाब दी स्पोर्ट्स दी पॉलिसी सीगी, उह अज दी कैबिनेट दे विच मंजूर हुई हैगी। अज नवीं स्पोर्ट्स जिहड़ी आ पॉलिसी होंद विच आई आ, जिहदे नाल पंजाब दे छोटे बच्चे नर्सरी के अंदर किवें लैके आना गा, जिहड़ी स्पोर्ट्स की अंडर नर्सरी होगी जिहदा दायरा 4 या 5 किलोमीटर के अंदर होगा, उत्थे छोटे छोटे बच्चों को लैके किवें आना गा, फिर उन्हों ब्लॉक पद्धर से किवें लैके जाना गा, फिर डिस्ट्रिक्ट पद्धर से किवें लैके जाना गा, फिर स्टेट पद्धर से और उस तो बाद नैशनल ते इंटरनैशनल पद्धर से किवें पंजाब के खिडारी जिहड़े नेगे आने वाले समय के ब्लॉक तो लैके ओलंपिक्स तक का सफर जिहड़ा पंजाब के बच्चे किवें तय करनगे, पंजाब का नौजवान किवें तय करेगा, उहदे लई अज खरड़ा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वल्लों पेश होया सीगा। सरदार गुरमीत सिंह मीतहेर जी साडे मानयोग मिनिस्टर साहिबान ने वो बड़े सारे जिन्हें स्पोर्ट्स नू जिहड़े प्यार करदे ने स्पोर्ट्समैन ने पुराने कोच साहिबान साडे खिडारी स्पोर्ट्स के वड्डे वड्डे उन्हां नाल सलाह मशवरा करके तैयार की सी जो स्पोर्ट्स जिहड़ी आ नीति नू अज इस अज दी इस मीटिंग दे विच प्रवानगी मिली आ। सो मैं समझदा इस दे नाल आउण वाले समय दे विच पंजाब दे मुंडे कुड़ियां कल्ले पंजाब या नैशनल लैवल ते सीमित नहीं रहणगे, ओलंपिक्स दे अंदर एशियन गेमां दे अंदर सैफ गेमां दे अंदर और वट जिन्नियां भी गेम्स खेडा देश विदेशों हुंदियां उहदे च भाग लैके मैं समझदा पंजाब दा नाम जिहड़ा उह उच्चा करनगे। इसे तरह बहुत सारियां नवीआं असामियां दी रचना पंजाब दे अंदर होई आ। पंजाब राज कानूनी सेवावां अथॉरिटी लई असामियां नूं मुड़ सुरजीत किया गया। 8-9 जिलों के अंदर पोस्टा खाली पईआं सीगियां, उन्हां असामियां नूं भरिया गया ताकि जिहड़े कानूनी राज सेवावां अथॉरिटी आ साडी उहनूं होर मजबूत बनाया जाए, जिथे लोगों को इंसाफ मिलता गा, लोगों के झगड़िया के हल होंगे नेगे, आपसी भाईचारे में बैठ के उत्थे मसले हल होंगे नेगे, उन्होंने होर ताकतवर बनाने के लिए ये जिहड़ियां असामियां नूं प्रवानगी दित्ती गई आ। इस तरह पंजाब के जिहड़े दो वड्डे कॉलेज नेगे सरकारी डेंटल कॉलेज पटियाला अमृतसर, इन्हां दे अंदर जिहड़े प्रोफेसर सीगे प्रोफेसरां दीआं पोस्टां एसोसीएट प्रोफेसर दीआं पोस्टां काफ़ी लंबे अरसे तो पेंडिंग पईआं सीगियां और लगभग 39 पोस्टां नूं प्रवानगी दित्ती गई है ताकि साडे जिहड़े स्टूडेंट जिहड़े बच्चे मैडिकल की पढ़ाई करते हैं गे, चाहे MBBS करते हैं, चाहे डेंटल के अंदर डेंटल डॉक्टर बनने की पढ़ाई करते हैं गे, वो सारे जिहड़े ने गे अच्छे तरीके दे नाल अपनी पढ़ाई में मुकम्मल कर सकन। सो 39 पोस्टा जिहड़ियां नेगियां उन्हां नूं भरन की प्रवानगी विभाग नूं दित्ती गई है ताकि विभाग जिहड़ा हैगा छेती तो छेती उन्हां पोस्टा नूं भर के और बच्चों के लिए जो साडे टीचर साहिबान सानूं पढ़ाउण। इस तरह पंजाब की इको एक आयुर्वैदिक यूनिवर्सिटी श्री गुरु रविदास जी आयुर्वैदिक यूनिवर्सिटी जिहड़ी कि हुशियारपुर के उहदे विच CM साहब की जिहड़ी योगशाला चलती आ उहदे तहत असी बजट का भी प्रबंध किया गा और पोस्टा की जी भी क्रिएशन की है कि उत्थे जाके जिहड़ा किस तरह साडा जिहड़ा समाज के लोग ने गे किस तरह वो अपने आप को तंदुरुस्त रख सकन। और लगभग 14 होर सुपरवाइजर की पोस्टा और 200 के करीब योगा ट्रेनर किस तरह पंजाब के बख-बख हिस्सों के अंदर जाके वो योगा ट्रेनर जिहड़े हैगे ने गे उत्थे ट्रेनिंग देणगे सिखलाई देणगे और लोगों नूं योगा करन दे लई अपने सेहत नूं तंदुरुस्त रखण दे लई प्रेरित करनगे और ये असामिया की जी रचना अज हुई हैगी। सो इस तो बिना जिहड़े साडे पंजाब के अंदर लेबर कंस्ट्रक्शन जिहड़े कंस्ट्रक्शन के काम के लगे कामे होंगे ने मजदूर होंगे ने गे उन्हां नूं पहला बहुत सारिया स्कीमां दे
दे अंदर वो रजिस्टर्ड होंदे सीगे, उन्हां दे रजिस्टर करन दी प्रक्रिया जिहड़ी सीगी वो बड़ी औखी सीगी। मजदूर एक लेमैन हुंदा गा, मजदूर नूं जिहड़ियां टैक्नीकलिटीज़ नेगियां नहीं पता होंदियां, किस तरह फार्म भरना किस तरह नहीं भरना, वो बहुत सारिया समस्यावां दा शिकार हो जांदा सीगा। और वो जिहड़ियां आपदा फार्म आपदे आप नूं रजिस्टर ही नहीं कर पाउंदा सीगा, जे रजिस्टर नहीं कर पाउंदा सीगा सहूलतां कित्थों लऊगा। कहण नूं पुरानियां सरकारां कहदियां सीगियां कि असीं मजदूरां लई इन्ने हिस्से का बजट रखता, असीं आ उहनूं सहूलतां दे रहे हां, पर वो रजिस्टर नहीं होंदे सीगे। सो इहदी जिहड़ी प्रक्रिया गी असीं सौखी कीती आ। और अगे जदों कोई स्कीम मान लो किसी मजदूर ने मैडिकल करवाउणा गा जां कोई होर चीज़ का लाभ लेना गा, वो अपलाई करदा सीगा और छे महीने का समा लग जांदा सीगा। अज असीं समा घटा के इमीडिएटली कीता जदों ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया। जदों सिस्टम असीं इन्ना सुखाला करता, असीं सारे अफसर साहिबान नूं अधिकार दिते कि जिथे मजदूर जिथे काम चलते ने बिल्डिंगां दे उत्ते जां जिथे लेबर चौंक बने हुए ने गे, जिथे भी मजदूर मिलेगा उत्थे जाके साडे अफसर साहिबान जिहड़े हैगे ने तुरंत उन्हां दा रजिस्ट्रेशन करनगे। और रजिस्ट्रेशन करन तों बाद जदों भी उन्हें जिन्नियां भी स्कीमां होणगियां उहदे तहत जिहड़ी भी उहनूं मिलदी सहूलत उह तुरंत दित्ती जाऊगी। एक वड्डी जिहड़ी सोध है मैं समझदा पंजाब दे जिहड़े हज़ारां ही साडे लेबर करन वाले कंस्ट्रक्शन का काम करन वाले भरा ने उन्हां बहुत वड्डी राहत मिलेगी। इस तरह पंजाब दे अंदर नवीं जिहड़ी पंजाब दी क्रशर पॉलिसी सीगी उहदे अंदर काफ़ी सारे सुधार किए गए नेगे, तां कि जिहड़ा हैगा क्रशर दे अंदर उहदे काफ़ी सारे जिहड़ा क्रशरिंग दा काम आ उत्थे जिहड़ी आ गैर कानूनी क्रशर ना होवे उहनूं असीं जोड़िया कि जिहड़ी जिन्नी उहदी बिजली दी कंजम्पशन आ जिन्नी उह बिजली दी कंजम्पशन लै रहा उहदे नाल जोड़िया, तां कि जिहड़ा दो नंबर दे कितना कितना काम होण दी संभावना सी उह बिल्कुल उहनूं साफ किया जाए। गवर्नमेंट की पॉलिसी जिहड़ी आ बिल्कुल साडी सरकार की पॉलिसी है कि ईमानदारी दा सरकार काम कर रही आ। सो करप्शन की कोई भी गुंजाइश नहीं छड्डांगे, उहदे लई एक नवां सोध की गई है। इस तरह सब तो वड्डी जिहड़ी साडी सरकार का टीचा सीगा और साडी मैं समझदा गरंटी सीगी पंजाब दे अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने इलैक्शन के समय, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने इलैक्शन के समय पंजाब के लोगों को कहा सीगा कि जो साडी सरकार आऊगी जिहड़ी आटा वंडण की प्रक्रिया गई असीं तुहाडे घर तक लैके जावांगे। सो भी जिहड़ी अज असीं उस पॉलिसी नूं प्रवानगी दित्ती आ। सो सारा जिहड़े भी बंदे पंजाब दे अंदर लाभपात्री उस स्कीम के अंदर आउंदे ने, आटा दाल स्कीम के अंदर आउंदे रहेंगे, चाहे उन्हां कोल ऑप्शन होगी, चाहे वह डिपू तो लै सकते हैं जिहड़ा डिपू उन्हां दा आटा, चाहे उत्थों कणक भी लै सकते हैं जो अपने आप नूं आटा लैण लई रजिस्टर कराउणगे, तां आटा जिहड़ा हैगा सरकार उन्हां नूं घर तक जिहड़ा हैगा पहुँचाऊगी। इहदे लई असीं घट्टो घट्ट 500 होर डिपू जिहड़े नेगे उह मार्कफेड खोलूगा तां कि कोई भी व्यक्ति जिहड़ा हैगा इस स्कीम तों वांझा रह सके। आटा दाल स्कीम जिहड़ी हैगी उह अज प्रवानगी मिली हैगी। सो पुराने जिहड़े वहीकल सीगे उन्हां दे उह जिहड़ा हैगा एक पॉलिसी आई सी स्क्रैप जिवें करना उहदे विच सोध की गई है तां कि कोई भी वहीकल दा उहदी असीं टैक्स माफ़ कीता गा, टैक्स माफ़ नहीं कीता सॉरी उहदी पेनल्टी ते ब्याज माफ़ कीता गया, तां कि जिन्ना उहने टैक्स भरना नहीं तां 6-6 महीने दी पै रहिंदा सीगा उह वहीकल जिहड़ा महसूस हो जांदा सीगा। सो उहनूं प्रवानगी दित्ती आ। इस तों बिना अहम जिहड़ी गल आ होर जिहड़ी अज दी मीटिंग दे अंदर विचार वटांदरा होया कि पंजाब दे विच वड्डे पद्धर दे उत्ते हड़ आए नेगे, पंजाब दे किसान दी फसल खराब होई आ, पंजाब का मजदूर मारिया गया, पंजाब के अंदर सड़कां टुट गईं, पंजाब के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक तबाह हो गया। उहदे लई जिहड़ी असीं असैसमेंट कीती आ, मैं साडे मानयोग मंत्री सरदार गुरमीत सिंह खुटिया जी नूं बेनती करूँगा कि इस मामले उत्ते उह डिटेल के अंदर ब्रीफ करनगे कि किस तरह असैसमेंट हुई आ और की जिहड़ा हैगा असीं सेंटर सरकार नूं भेजिया गा कि किन्ने पैसे सानू मिलने चाहिए ने, कितने कितने किहड़े किहड़े हेड के अंदर खराबा होया गा, कितने फसल का होया गा, कितने मकान का होया गा। बेशक जिहड़ियां कीमती जाना जिन्ने मैनू पता गा क्योंकि पैसे जारी किए सीगे, 44 पंजाब के अंदर 44 जिहड़े लोगों की इस हड़ां के कारण जान चली गई सी, उन्होंने जिहड़ा जिन्ने पैसे 4 लाख रुपया निर्धारित एज पर नॉर्म रखी हुई जिहड़े पैसे ने एक्सग्रेसिया ग्रांट के वो लगभग सारे बंदियां नूं पंजाब सरकार ऑलरेडी पे कर चुकी है 44 बंदियां नूं। सो डिटेल के अंदर सरदार गुरमीत सिंह खुड़िया जी ब्रीफ करेंगे।